हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षत तिवारी ब्लॉग्स में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी का सारा इन्फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आप पीछे देख सकते हो हमारे यूनिवर्सिटी हम आ चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको यहाँ के सारे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज मैं इस कॉलेज का एक एक ब्लॉक, मैंने सुना है इस कॉलेज में 3 ब्लॉक हैं, तो मैं इस तीनों ब्लॉक के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ। कौन सा ब्लॉक कहाँ चलता है और इस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी प्यारी है, आज मैं इस सारे चीज़ों को आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ गया हूँ कॉलेज के अंदर। आप देख सकते हो इधर ये सिक्योरिटी रूम है, मतलब यहाँ पे आप जब तक नाम नहीं लिखवा सकते, ID डालनी पड़ती, उसके बाद आप कॉलेज के अंदर जा सकते हो। ये कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ और जिस कॉलेज के पास ही पंजाब नेशनल बैंक का ATM, तो आप यहाँ से पैसे भी निकाल सकते हो। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं, अपना मैं ID डाल देता हूँ, उसके बाद कॉलेज के अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आइए। अब हमने एंट्री कर दी है और अब हम चल रहे हैं कॉलेज के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज के अंदर, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कॉलेज का एक एक व्यू मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आइए। अब हम कॉलेज के इधर अंदर की ओर आ गए हैं और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो हमें ये सीन देखने को मिलता है। दोस्तों, मेरे पीछे ये एडमिन ऑफिस, जहाँ पर एडमिशन का सारा प्रोसेस होता है, यहाँ पर सारे एडमिशन का प्रोसेस होता है। और जस्ट उसके सामने आप आओगे तो वो पीछे है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे जितने भी सारे फीस के प्रोसेस है, वो सारे फीस के प्रोसेस सब कम्प्लीट होते हैं और लाइब्रेरी से आप कोई भी बुक इशू करा सकते हो। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इसका मैं अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो एक अलग से ब्लॉग बना दूंगा। इससे पहले मैं चलता हूँ आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को घुमाने ले चलता हूँ इधर आगे। चलिए आइए चलते हैं। की सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। अब मैं आपको बता दूं, जस्ट इधर आप कॉलेज से एंट्री करोगे, एडमिन ऑफिस, लाइब्रेरी और उसके बाद एक रास्ता जाता है इधर, ये बस स्टैंड है। अगर आप बस लेना चाहते हो तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप बस के सारे डिटेल को जान सकते हो। और इधर से हम चलते हैं कॉलेज के अंदर। आइए। बहुत दूर चलने के बाद अब हम पहुंचे हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप पीछे देख सकते हो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इसके अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सारा चीज चलता है। और अब इसके आगे हम चलते हैं। आइए। अब हम पहुंचे हैं कैफेटेरिया के पास। आप देख सकते हो पीछे कैफेटेरिया है और ये बहुत प्यारा कैफेटेरिया। आइए मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। आइए। अब हम कैफेटेरिया को घूम लिया और हम आगे चल रहे हैं। अब हमें कहाँ जाना है? यूबी ब्लॉक के साइड हम चल रहे हैं, जो यहाँ से लगभग मैंने पहले ही आपको बताया कि वो 1 किलोमीटर के आसपास है। तो आइए चलते हैं। और आप ये पीछे देख रहे होंगे, जो पीछे डिपार्टमेंट दिख रही है वो है M ब्लॉक। आप ये देख सकते हो, ये जो पीछे की डिपार्टमेंट दिख रही है बिल्डिंग्स, वो है M ब्लॉक। और जैसे ही आप इधर आगे बढ़ते हो ये आपको दिखता है ये ब्लू कांच है वर्कशॉप। यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए वर्कशॉप कराया जाता है।
और वो जो दिख रही है आपको पीछे वो बिल्डिंग दिख रही है वो है कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं और कंप्यूटर सेंटर चलता है, मतलब बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं। और जैसे ही हम इधर घूमते, ये देखिए ऑडिटोरियम है हमारा, यहाँ पे हर हॉस्टलर्स के लिए सैटरडे को मूवी लगती है और बहुत अच्छी अच्छी मूवी लगती है, न्यू मूवी लगती है। तो आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये है हमारा। और जैसे ही हम ऑडिटोरियम से आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता। और जस्ट इसके बगल से आप जैसे ही आते हो वहाँ आपको मिलता है गर्ल्स हॉस्टल। ये देखिए बोर्ड लगे हुए हैं, मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। बहुत मतलब इस बोर्ड से पूरा लोकेशन बताया गया किधर मैस है, किधर बॉयज़ हॉस्टल और किधर गर्ल्स हॉस्टल है। ये बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और अन्नपूर्णा, यानी अन्नपूर्णा ये हमारा मैस है। और ये रास्ता गर्ल्स हॉस्टल के साइड जाता है और सामने जो दिख रहा है वो अन्नपूर्णा मैस है। इधर से आप जाते हो बॉयज़ हॉस्टल के साइड और इधर से जाते हो गर्ल्स हॉस्टल के साइड। और ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं। और ये बहुत प्यारा ग्रीनरी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और अब हम इधर चल रहे हैं यूवी ब्लॉक के साइड। ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये जो ब्लू कार दिख रही है वो गर्ल्स जिम है था बॉयज़ हॉस्टल के पास। तो अभी हम चल रहे हैं यूवी ब्लॉक के साइड, आइए चलते हैं। ये हमारे दोस्त जो हमारे साथ आए हैं इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के ब्लॉक पर, और यहाँ के सारे कैंपस को ये हमें घुमा रहे हैं। मैं भी इन्हें घुमा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, बीएससी बायोटेक सेकेंड ईयर। ये देखिए बहुत प्यारा ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है। आप देखिए बिल्कुल ध्यान से कितना अच्छा लग रहा है। ये पीछे का व्यू देखिए, ऊपर से पूरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये रास्ता है यूवी ब्लॉक के साइड जो कि इस इन्वर्टीज़ का मेन ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट का एजुकेशन चलता है हमारा। और उसी ब्लॉक में मेरा भी क्लास है, तो आइए चलते हैं। तो यही इन्वर्टीज़ की खूबसूरती है, यहाँ ग्रीनरी इतना प्यारा है। और हमारे ये दो बाउंसर ब्लैक टी शर्ट में, और ये चले हम यूवी ब्लॉक के साइड, आइए। सो अब हम वही यूवी ब्लॉक के साइड चले हैं। कब से चलते चलते मैं थक गया हूँ और यूवी ब्लॉक के साइड हम पहुँच रहे हैं। आप पीछे देख सकते हो वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली बिल्डिंग जो दिख रही है वो यूवी ब्लॉक की बिल्डिंग। और जस्ट यहाँ जो आपको बिल्डिंग ये दिख रही है ये गेस्ट हाउस है, ऐसा कहते हैं कि ये गेस्ट हाउस के पास जाने का रास्ता। कुछ कार्स उधर खड़े हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गेस्ट आया ही होगा। और यहाँ भी देखिए बहुत प्यारा, मतलब बहुत 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 प्यारा व्यू है। अब जैसे हम यूवी ब्लॉक के साइड आते हैं हमें ये दो रास्ते दिखते हैं, एक इधर जो कि मेन ग्राउंड के साइड जाता है और एक इधर ये यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के साइड जाता है, आप पीछे देख सकते हो। तो पहले हम चलते हैं इधर मेन ग्राउंड के साइड, इधर ही लाइब्रेरी है, मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ, उसके बाद यूवी ब्लॉक दिखाता हूँ अच्छे से। सामने है ये लाइब्रेरी, आप देख सकते हो लाइब्रेरी का व्यू बहुत प्यारा आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाइब्रेरी यूवी ब्लॉक की। व्यू यहाँ से बहुत प्यारा आ रहा है ना, अभी बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं। ये बास्केटबॉल, अब लाइब्रेरी से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये मेन ग्राउंड है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ पे खेती भी होती है, ये देख सकते हो आप उधर बहुत सारी खेती हुई है छोटी बड़ी यहाँ पे, मतलब इतनी में खेती होती है। और इधर ये पूरा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इधर बास्केटबॉल होता है, इधर उधर फुटबॉल, और जस्ट उधर बिल्कुल जाएंगे तो पूरा यूवी ब्लॉक के पीछे का पार्ट है। और ये ग्राउंड है, मैंने आपको दिखाया, ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये देखिए आप। और इधर से भी हम कैफे के साइड जा सकते हैं, चलिए हम चलते हैं कैफे के साइड, आपको कैफेटेरिया दिखा देता हूँ यूवी ब्लॉक की। मैंने वो जो पहले कैफेटेरिया दिखाई वो टी ब्लॉक की, यानी टेक्निकल ब्लॉक की है, इंजीनियरिंग ब्लॉक की है, और यह है यूवी ब्लॉक की कैफेटेरिया, चलिए हम वहाँ चलते हैं। यह है इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी। और जैसे हम यूवी ब्लॉक के पीछे वाले ग्राउंड से कैफेटेरिया के साइड जाते हैं और मिलता है हमें ये पीछे का हिस्सा जो कि यूवी ब्लॉक के एंटर पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से बच्चे ग्राउंड की ओर आते हैं और उधर से एंटर करते हैं। अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये सामने एक गेट दिख रही होगी वो वाली, वहाँ से बच्चे एंटर करते हैं और यहाँ से आउट करते हैं ग्राउंड के लिए। और जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी होता है तो सेलिब्रिटी भी यहीं से आता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेज लगता है और ये पूरे ऑडियंस भरी होती है, बहुत मज़ा आता है। ये मे बी फरवरी में होता है और इस बार भी होने वाला है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं कैफेटेरिया के पास ले चल रहा हूँ, कैफ़े घुमाऊँगा, कुछ नाश्ता पानी भी। ये रहा यूवी ब्लॉक की कैफेटेरिया, ये कैफेटेरिया भी नया बना है, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया, बहुत प्यारा लगता है, अंदर से भी इसकी स्ट्रक्चर बहुत प्यारी है। सो ये रहा ग्राउंड कैफेटेरिया के सामने का, और ये रहा यूवी ब्लॉक, और हम उधर से आए थे, और ये है कैफेटेरिया। सो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महागाज का भरोसा। यो सपोर्ट कीजिए एंड यू आर मोस्टली वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।